नमस्कार, स्टार स्टार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। बात करते हैं आने वाले सप्ताह के बारे में, कैसा रहने वाला आने वाला सप्ताह 12 राशियों के लिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है और अभी अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने का समय है। आपको नई परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। व्यावसायिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। व्यायाम, योग और ध्यान के माध्यम से आप अपनी जो स्थिति है उसमें सुधार कर सकते हैं। वृष राशि की बात करें तो इस सप्ताह आपको अपने कार्यस्थल पर मेहनत और समर्पण की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपने कार्य में संगठित रहना और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देना की आवश्यकता आपको है। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के टीम वर्क में योगदान दें और सहयोग बढ़ाएं। व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने संबंधों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ संवाद करना और उनकी आवश्यकताओं को समझना महत्वपूर्ण होगा। प्रेम संबंधों में संतुष्टि और समझदारी बनाए रखने की आपको जरूरत है। आपको प्रयास करना चाहिए। और अगर मैं सेहत की बात करूँ तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। इस सप्ताह आपको व्यापारिक और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपनी व्यावसायिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए संगठन और योजना बनाने की आवश्यकता है। अपने काम को बढ़ाने के लिए नवीनीकरण के अवसरों की तलाश करें। मन में स्थान परिवर्तन का विचार आ सकता है और यदि इस ओर प्रयास करेंगे तो सफलता मिलनी निश्चित है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाहन आदि चला अगर आप इस्तेमाल करते हो तो यातायात के नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। सावधानी बरतें। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आपको अपने प्रोफेशनल जीवन में वृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए शक्तिशाली मौके मिल सकते हैं और आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। आपकी कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धा भावना आपको अग्रेषित करेगी और आपको सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा भी सकती है। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और कठिनाइयों को पार करने के लिए संकल्पबद्ध भी। व्यक्तिगत जीवन में आपको संतुष्टि और खुशहाली के लिए अवसर मिलेंगे। पारिवारिक संबंधों में मधुरता और समझदारी बनाए रखने से सुख और समृद्धि का वातावरण घर में बनेगा। सेहत की तरफ से आपको अच्छा अनुभव होने वाला है। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। आपके साथी या पार्टनर के साथ मधुर समय बिताने का अच्छा अवसर आपको इस सप्ताह मिलने वाला है। इस सप्ताह धन संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी और अपने बजट और खर्चे को संतुलित रखने का प्रयास आपके द्वारा किया जाना चाहिए। आपको धन संबंधी निर्णय पर सतर्क रहना चाहिए और व्यावसायिक सौदों में सतर्कता बरतनी चाहिए। घर परिवार का माहौल पूर्ववत रहेगा और किसी परिजन की तरफ से सुखद समाचार आपको इस सप्ताह मिल सकता है। सेहत की तरफ से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कन्या राशि की। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और आराम का आपको पालन करना होगा, ये आपके लिए उपयुक्त रहेगा। स्वस्थ मन और शरीर रखने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बात करो अगर मैं नौकरी व्यापार की तो नौकरी व्यापार की स्थिति में किसी तरह का जो बड़ा फेर बदलाव है वो नहीं दिख रहा। किसी पुराने मित्र से अचानक भेंट हो सकती है जो आपको रोमांचित भी कर सकती है। बात करते हैं तुला राशि की। इस सप्ताह आपके पेशेवर जीवन में आपको अच्छी प्रगति की उम्मीद रखनी चाहिए, परंतु कुछ मामलों में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और समर्पण से आप उन्हें पार कर सकेंगे। अपने कार्य में संगठित रहें और महत्वपूर्ण निर्णयों को सावधानी पूर्वक लें। विद्यार्थी समय का सदुपयोग करें और आवश्यकता पड़ने पर बड़ों से सलाह मशवरा करने में कोई दिक्कत नहीं है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। इस सप्ताह व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने साथी या पार्टनर के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। संबंधों में समझदारी, संवेदनशीलता और समानता बनाए रखने से सुख और समृद्धि का माहौल बना रहेगा। इस सप्ताह व्यस्तता के बाद भी कुछ रोमांटिक समय बिताने का अवसर आपको मिल सकता है, इसको आपको लाभ उठाना चाहिए। काम काज की जो स्थिति है वो पूर्ववत रहने वाली है और घर के लिए कुछ खरीदारी करने का इस सप्ताह आपका मन बन सकता है, जो एक फायदे की बात हो सकती है। धनुराशि की बात करते हैं। इस सप्ताह आपको व्यवसाय में मजबूती आने की उम्मीद दिखती है। आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में नए मौके और समझदारों का आगमन भी हो सकता है और आपको अपने नवीन परियोजनाओं पर केंद्रित होना चाहिए। आपको अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। ध्यान और योगा करने से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी।
संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपके शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मददगार साबित होगा। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। इस सप्ताह कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। कार्यस्थल पर संगठन का ध्यान रखने और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में समय बिताएं। व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने पारिवारिक संबंधों का ख्याल रखना होगा और प्रेमी या पति जो जीवन साथी है उनके साथ मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास आपके द्वारा किया जाना चाहिए। विचार साझा करने और एक दूसरे के समर्थन से समय देने के लिए आपके रिश्तों से में जो है वो मजबूती आएगी और निकटता का आभास होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। व्यापारिक मामलों में यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला हो सकता है। आपको अपने काम को संगठित रखने, महत्वपूर्ण निर्णय को समय पर लेने और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता इस सप्ताह होगी। विरोधियों की गतिविधियों पर आपको नजर रखने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको तनाव और थकान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए नियमित व्यायाम, पर्याप्त आहार और पर्याप्त आराम आपके शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में मददगार साबित होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। व्यावसायिक साझेदारी या संयुक्त वित्तीय कार्यक्रम की संभावना इस सप्ताह देखी जा रही है, जो आपके व्यापार को नई प्रगति दे सकती है। इस सप्ताह आपको अपने परिवार और घर के मामलों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आपके परिवार के सदस्यों के संबंधों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास आपके द्वारा किया जाना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को भी आपको समझना होगा। घरेलू मामलों, संपत्ति के मामलों और सुरक्षा के मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो यातायात के नियमों का जरूर पालन करें। दर्शकों, हमने एक सामान्य राशिफल की बात कर ली। अगर आप अपनी कुंडली का निजी तौर पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8588100990 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। आप प्ले स्टोर में जाकर के हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार हमारे ज्योतिषाचार्यों से बात कर सकते हैं और हमारे ज्योतिषाचार्यों का पूर्ण प्रयास रहता है कि समस्या आपकी होगी और समाधान हमारा होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहे स्टार स्टाइल। नमस्कार।